بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ صدق الله العظيم وعن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى ومن تركه كان على الضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى مجمعين नाजरिन इकराम मैं कासिम रशीद अहमद आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूँ आज की ये खूसी नशरियात और खसूस प्रोग्रामिंग लेकर के जो कि साल के सबसे अहम और मुबारक दिन में पेश की जा रही है और ये दिन इतना मुबारक है कि जो है चंद सालों के बाद एक दफ़ा ही ऐसा मौक़ा आता है कि ये मुबारक दिन आशूरा का दिन दस मुहर्रम का दिन जुमा के दिन हो तो माशाल्लाह जो है जुमा का दिन भी है और आपके बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी हैं जो है और माशाल्लाह घर पर बच्चे भी हैं फैमिली साथ में है माशाल्लाह और मुबारक मौका है तो उस हवाले से हम ये खसूस ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं यकीनन ये प्रोग्राम का मकसद अपील करना भी होता है कि आप हजरात जो है बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करें डोनेट करें पानी के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा डालें फूड पैक में हिस्सा डालें यतीम बच्चों की किफ़ारत करें बेवाओं का सहारा बने और जो मरीजों को जो है इलाज की सहूलत फराहम करें माजूरों को उनकी जो ज़रूरियात हैं वो फराहम करें बेघरों का आसरा बने और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करें तो ये अपील अवलिन मकसद भी होता है जो है इन मेन मकासद में से लेकिन मेरा बजात खुद यहाँ बैठने का सबसे अहम मकसद ये कि हम इस दिन की अहमियत को समझें और इस दिन से जो खैर और बरकतें हम समेट सकते हैं वो समेटने की कोशिश करें अल्लाह उतल जज़ाय ख़ा फ़रमाएँ कुर करीम में अल्लाह सब तरमाते हैं इ्दत शहूर हन आशर शहरा बेशक इ्दत इ्दत शहूर उर्दू में भी हम कहते हैं इद्दत जैसे किसी के अगर तलाक हो जाती है या शोहर का इंतकाल हो जाता है तो बीवियों को ख़ीन को इ्दत में बैठना होता है वहत जो है चार महीने दस दिन भी हो सकती है या तीन पीरियड के मुताबिक मुद्दत भी हो सकती है तो वो उसे इ्दत कहा जाता है ज्त के माना एक जो है गिनती और शुमार के मुताबिक तो एक गिनती और शुमार जो है काउंटिंग तो इन नद्दत बेशक काउंटिंग जो है शुमार गिनती किस चीज़ की गिनती शहूर शहूर ये जमा है शहर की जो है शहर कहते हैं महीने को वो उर्दू वाला शहर नहीं कि जो सिटी और बस्ती और आबादी के उस पर नहीं शहर अरबी वाला शाहरुन शाहरु रमदान रमदान का महीना शहर मुबारक जो है मुबारक महीना तो वो शहर है शहर उर्दू में जो है वो शहर आता है शहर तो शहर शहर मुबारक इन आदत शूर महीनों की गिनती तो शहूर जमा है शहर की एक महीना हो तो उसे शहर कहेंगे और दो महीने हो तो उसके शहरिन कहेंगे और चंद महीने हो तो उसे अशहूर कहेंगे और पूरे के बारह के बारह महीने कि जो हर महीने को कवर कर ले तो उसे शहूर कहा जाएगा इन नद्दत शहूर बेशक महीनों की गिनती इंद अल्लाह इंद आ, जो है हिंद अल्लाह उर्दू में भी आ, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यानी अल्लाह के नज़दीक इसना आशर आशर इस अरबी की गिनती है यानी जिसके माना है बारह जो है आशर बारह है इन आदत शूर आशर शहरा बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक बारह शहरा महीने हैं बारह महीने बारह माह हैं तो महीनों की गिनती यकीनन अल्लाह के नज़दीक बारह माह हैं इंद ना अशर शहरा फ़ी किताबिल्लाह ये अल्लाह के रिकॉर्ड में मौजूद है यानी अल्लाह की किताब से मुराद जो लो महफूज है उसमें और जो जहाँ पर भी अल्लाह तआला ने रिकॉर्ड को रख रखा है जैसे इस दौर में जो है आप हार्ड ड्राइव कह लें इस दौर में आप जो है सर्वर कह लें जो है कि जहाँ पर जिस सर्वर में आपका पूरा डाटा होता है तो इसी तरीके का अल्लाह ने जो मास्टर सर्वर बना रखा है तो उसमें मौजूद है कब से मौजूद है फी किताबिल्लाउम योम यौम के माना उस दिन दिन योम उस दिन से खलावाती खल पैदा किया उर्दू में हम कहते हैं तख्लीक खाल खल़ खुदा यानी खुदा की मखलूक तो खल योम खालाका खालाका के माना उसने पैदा किया क्या पैदा किया असमावत तमाम आसमानों को योम अर्द जो है आसमानों को पैदा किया और ज़मीनों को पैदा किया आसमानों और ज़मीन को पैदा किया योम खलाक वल तो यानी महीनों की गिनती जो है वो अल्लाह के नज़दीक बारह महीने हैं ये अल्लाह के रिकॉर्ड में मौजूद है उस वक्त से जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया अब ये आयत नाजिल हो रही है कब ये नाजिल हो रही है आ हज़ूर सल्ला वसम के ऊपर अब से साढ़े चौदह सौ साल पहले ये साढ़े चौदह सौ साल पहले ये आयत नाजिल हो रही है जिस वक्त इंग्लिश कैलेंडर का कोई ख़ास मैार नहीं था इंग्लिश कैलेंडर का कोई ये कह लीजिए अता पता नहीं था उस वक्त जो है ईसाई ममालिक में जो है कुछ पता होगा लेकिन मक्का मुकरमा में तो मुशरकिन थे जो है और मदीना मनोवर में चंद यहूदी थे जो है लेकिन ज़्यादातर जो है मशरिकीन ही थे और मक् मुकरमा के अंदर तो ही थे तो उस उस दौर के अंदर अल्लाह सुबह का ये वाजह कर देना कि महीनों की गिनती बारह है तो ये गिनती का निज़ाम ये कैलेंडर का निज़ाम ये शमसी और निज़ाम ये अल्लाह सुबह ने हमारे लिए पहले से बना करके कर रखा कर कर है पहले से बना करके कर रखा कर कर। फ़र्क इतना है कि इस दौर में हम इंग्लिश कैलेंडर को इतना इस्तेमाल करते हैं और उसकी अहमियत हमारे अंदर इतनी आ गई है कि हम ये समझते हैं कि ये सिविलाइजेशन इन्होंने ही हमें दी है ये बारह महीने इन्होंने ही ईजाद किए ये बारह महीने जो है आ, मतलब यानी इन इनके इन, इस कैलेंडर से पहले बारह महीनों का तस्वर नहीं था जो है, हम ये समझते हैं लेकिन हकीक़त यह है कि अल्लाह के, के नज़दीक ये बारह महीने पहले से ईजाद करदा हैं तख्लीक करदा हैं अम ने पहले से इन बारह महीनों को बना दिया और मक़र कर दिया अब जो है जो साइंसद होते हैं ना, उनका नज़रिया ये होता है कि जो दुनिया में जो दस्तूर चला आ रहा है ख़ुसूसी तौर पर मज़हबी लिहाज से और खसूस तौर पर इस्लाम की तरफ़ से तो उसका कोई बदल निकाला जाए उसका कोई तोड़ या उसका कोई और तरीक़ार निकाला जाए कि बजाय इसके कि हम हमें इस्लामी तलीमत के ऊपर अमल करना पड़े तो अब क्या मामला है मामला ये है कि महीनों की गिनती बारह है और ये बारह महीने जो है ये चाँद के हिसाब से होते हैं कुरान करीम में अल्लाह तआला फरमाते हैं और क़ुरान इंसान अलमाबान अशम्सु الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان सूरह रहमान की इब्तदाई आयतों में से है कि सूरज और चाँद जो है एक हिसाब के साथ गर्दिश करते हैं एक हिसाब के साथ उस वक्त यह हिसाब किताब का ये कैलकुलेशन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन एस्ट्रोनॉमिकल डाटा जो है और फल्कियात का जो है उस वक्त तस्करा कर दिया जिस वक्त साइंस का कोई नाम भी नहीं जानता था ये एक और जगह अल्लाह तआला फरमाते हैं वल वल़मर कदर ना मनाजिल वल कमर और क़मर यानी चाँद ना हु मनाजिल हमने उसके ठिकाने उसके ठिकाने जो है मुख्त कर रखे हैं कदर ना हो फिक्स कर रखे हैं उसके ठिकाने यानी उसके इस्टॉप्स जो है इस्टॉप्स से मुराद यानी यानी कि वो वहाँ जा कर के रुक जाएगा बल्कि जो है उसके पासिंग पॉइंट्स जो है उसके सर सर्क, सर्कुलेशन पॉइंट्स कि वो किस दायरे से गुजरेगा उसके जो है इस साल जो चाँद गुजरेगा उसका दायरा क्या होगा उसका रूट क्या होगा आइंदा साल जो चांद गुजरेगा उसका रूट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा अब से सौ साल के बाद जो चांद गुजरेगा उसका रूट जरा मुख्तलिफ होगा था था। हजार साल के बाद तीन सौ छत्तीस साल के बाद तेरह सौ छब्बीस साल के बाद जब भी चांद का जो है जो रूट होगा वो हर साल से तकरीबन मुख्तलिफ होगा ये तो चांद और सूरज का रूट जो है इसका जो है तो वल कमर क़द्दर ना हूँ मनाजिल हमने जो है पाथवे फिक्स कर दिया है उसका रूट फिक्स कर दिया है किसका चांद का वमर कद्दर ना हो मनाजिल हत आध कलोर्जुन अब ये मनाजिल से मुराद एक तो उसका सर्कुलेशन लेकिन उससे बढ़ करके चाँद का छोटा होना छो, बड़ा होना जो है कभी चाँद बिल्कुल बारीक हो जाता है कभी दरमियानी हो जाता है कभी फुल मून हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता है वो तो हत आद अकल अर्जुनीम के गोया कि वो पहली हालत पर वापस आ जाता है कि चाँद सर्कुलेट करना शुरू करता है और एक महीने के बाद जो है वो पहली जैसी नहीं हालत के ऊपर वापस आ जाता है अगर फुल मून था तो एक महीने के बाद वापस फुल मून हो जाएगा अगर बिल्कुल बारीक था तो वो एक महीने के बाद वापस बिल्कुल बारिक हो जाएगा अगर वो ग़ायब हो जाता है कुछ घंटों के लिए कुछ लम्हों के लिए जो है एक आध दिन के लिए जिसे कंजंक्शन टाइम कहते हैं कि जिस वक्त जो है चांद बिल्कुल अफुक पर मौजूद होता ही नहीं है जो है तो वो जो है जब ग़ायब हो जाता है तो उसके ग़ायब होने के बाद जो दोबारा जहूर होता है वो गोया कि पहली जो उसकी सिचुएशन थी सूरत हाल थी पहला जो उसका मंज़र था वही सूरत हाल के ऊपर वो वापस आता है तो चांद के जरिए से इस्लामिक कैलेंडर चलता है इस्लामिक कैलेंडर की जो ये कह लीजिए कि तरतीब है वो चांद के ज़रिए से है और चाँद के ज़रिए इसलिए है कि वो तो इस दौर में हमने आ के चाद के मामले को मुश्किल बना दिया और कुछ टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है हम लोग बजाय टेक्नोलॉजी से इफादियत के जो है हम उसका और उल्टा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है जहाँ ज़रूरत हो वहाँ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत ज़रूरत तो छोड़ें मतलब जहाँ हमें बहाना तलाश करना होता है वहाँ कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है मिसाल के तौर पर हम नमाज़ों के अवात जो फिक्स करते हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ करते हैं जो है कभी हम में से कोई बाहर निकल कर नहीं देखता है कि भाई असर की नमाज़ का साया इतना हो गया है कि नहीं फिज़िकली कोई बाहर निकल के देखता नहीं है कि सूरज गुरूब हो गया कि नहीं जो डाटा हमें बता रहा है साइंस जो डाटा हमें बता रहा है पूरे साल किया आप जो है चंद सालों में बता दें कि आपने जो है बल्कि अपनी ज़िंदगी में बता दें कभी आपने जो है निकल के ये देखा हो कि भाई ज़हर का वक्त हो गया एग्जैक्टली exactly. जहर जो का वक्त सूरज किस पोजीशन पौस, पर क्रॉस करता है उसके बाद जहर का वक्त होता है आप और हम में से कितनों ने देखा होगा असर का वक्त कितनों ने देखा होगा इशा का वक्त जो है चलें इन ममालिक में जो है कुछ लोग उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं टाइम टेबल बनाने के लिए लेकिन जनरली स्पीकिंग जो है हम ये सारी चीज़ें साइंस से लेते हैं जो है जो साइंटिफिक डाटा हमारे पास है उससे लेते हैं उससे हम अपने नमाजों के अवक़ फिक्स करते हैं लेकिन जब बात आती है चांद की तो हम जो है ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंटिफिक डाटा की बेसिस के ऊपर आप जो है फैसला करें हम ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक डाटा से मदद हासिल की जा सकती है मदद हासिल की जा सकती है साइंटिफिक डाटा हमें बताता है कि चाँद की एग्जैक्ट लोकेशन किस साल में किस महीने के किस दिन कितने बजकर कितने मिनट पर किस मुल्क के, के किस शहर में किस बस्ती में किस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर आप देखेंगे तो वो किस जगह होगा साइंटिफिक डाटा हमें एग्जैक्टली exactly बता देता है मेरे मोबाइल के अंदर ऐप है मेरे मोबाइल के अंदर यहाँ पर ऐप मौजूद है कि अगर मैं उसको जो है यूँ घुमाऊँगा तो उस दायरे के अंदर कहाँ पर कौन सा प्लानट मौजूद है चांद सिर्फ़ चाँद ही की बात नहीं कि कौन सा प्लानेट कहाँ पर मौजूद है वो बता देगा मैं अगर मून का सर्च करना चाहूँ तो उस पर मैं मून टाइप करूँगा तो ये मेरी ऐप के अंदर मोबाइल के अंदर वो मुझे बताएगा कि आप थोड़ा दाएँ जाओ या बाएँ जाओ थोड़ा ऊपर करो नीचे करो वो चाँद तक के मुझे ले जाएगा ये वो ख़ुद ही ये मोबाइल से डिटरमिन कर लेता है कि मेरी लोकेशन क्या है आज की तारीख टाइम क्या है ये वो और मेरे मोबाइल को पता है कि भाई इस वक्त चाँद कहाँ पर है चाहे वो चांद इस वक्त नज़र आ रहा है या नहीं है चाहे ये दिन का वक्त है या रात का वक्त है ये चांद की लोकेशन बता देता है तो क्या हम ये मदद जो है साइंस से ले करके जो कि एक्यूरेट डेटा है हमारे पास उससे ले कर के क्या हम अपने चांद देखने को और इन्हेंस नहीं कर सकते और बेहतर नहीं बना सकते तो बहरहाल ये टॉपिक जो है चेंज होता जा रहा है लेकिन मकसद ये था कि इस्लाम का जो निज़ाम कमरी है वो ऐसा निज़ाम इस्लाम ने दिया है कि उस आ, उस निज़ाम के ऊपर चलने के लिए किसी को आ, कोई डिग्री हासिल करना ज़रूरी नहीं है कोई ट्रेनिंग और कोई जो है आ, किसी को कोई ये कह लीजिए क्वालिफ़िकेशन हासिल करना या कोई एजुकेशन के थ्रू जाना ज़रूरी नहीं है एक दिहाती आम बंदा भी देख करके बता सकता है कि भाई आज जो है सातवीं तारीख का चाँद है आज आठवीं तारीख का चाँद है आज दसवीं तारीख का है आज चौदही का चांद है हर एक देख करके बता सकता है आज जो है चांद जो है ग़ायब होने वाला है अब जो है चांद निकलने वाला है और ये जो चांद नज़र आ रहा है ये बिल्कुल पहली तारीख़ का चांद है ये जो है हम लोग नहीं बता पाते वो इसलिए कि हम चांद और यानी कमरी कैलेंडर से इतना दूर हो गए इतना दूर हो गए हम इसलिए नहीं बता पाते वरना तो जो है जो लोग चाँद देखने के आदि हैं और जो है बस्तियों और देहातों के अंदर और ग़रीब ममालिक में जो अभी भी चांद के हिसाब से अपने फैसले करते हैं तो वो साफ़ पता लगा सकते हैं तो उसके लिए चांद के ऊपर फैसला करने के लिहाज से कोई क्वालिफ़िकेशन और सनत की ज़रूरत नहीं होती है कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती कोई भी चांद देख कर के बता सकता है आज क्या तारीख़ है क्या सूरज को देख करके आप बता सकते हैं कि आज क्या तारीख है अगर आपके पास घड़ी ना हो मोबाइल ना हो आपके पास कैलेंडर ना हो टाइम ना हो तो आप क्या बता सकते हैं सूरज को देख कर कि आज क्या तारीख़ है आज जलाई की अट्ठाईस है सत्ताईस है या उनतीस है कोई नहीं बता सकता कोई नहीं बता सकता तो इस्लामी निज़ाम कमरी के मुकाबले में साइंस ने जो है जब तक के जो है यहूदियों का कैलेंडर था उसके ऊपर उनको कुछ नहीं चुभ रहा था और यहूदियों का कैलेंडर भी चाँद के मुताबिक ही है जिस दिन हमारा आशूरा होता है और जिस दिन हमारी नौ मुहर्रम होती है ये अयाम यहूदियों के लिए भी मुबारक दिन होते हैं और यहूदी जो है यहूदी इनके जो रिलीजस मिनिस्टर है इसराइल का वो गुज़त कल अलक्सा कंपाउंड के अंदर आया है, इबादत करने के लिए जा? यहूदी लोग आशूरा के मौके के ऊपर अलक्सा कंपाउंड में आते हैं जो इनकी ख़ास दीवार है वहाँ पर आकर के इन दिनों में खसूस तौर के ऊपर अहतमाम के साथ जो है वो इबादत करते हैं इस दिन वो भी रोज़ा रखते हैं दस तारीख़ का रोज़ा वो भी रखते हैं तो यहूदियों का भी निज़ाम कैलेंडर जो है निज़ाम तारीख़ जो है वो आ, कमर के ऊपर है चांद के ऊपर है और भी दिगर मजाहब हैं जिनका चांद के ऊपर है लेकिन जो है वो बात जो है साइंस को नहीं चुभ रही थी जो इस्लाम का मामला था वो साइंस को चुप रहा था और इस्लाम का जो है तोड़ निकालने के लिए शमसी यानी सूरज वाले सिस्टम और निज़ाम को लेकर के आए और उसके ऊपर फ़ैसला करना शुरू किया तो बहरहाल जो है बात कहाँ की कहाँ निकल गई कि महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक बारह है और ये बारह महीने चांद के हिसाब से हैं अब चाँद के हिसाब से जब आप फैसला करेंगे तो आपको कुछ महीने उनतीस के मिलेंगे और कुछ महीने आपको तीस के मिलेंगे कुछ महीनों में जो है उनतीस तारीखें होंगी उनतीस दिन होंगे और कुछ में तीस दिन होंगे इस्लामी निज़ाम कमरी में 28 दिन नहीं हो सकते और 31 दिन नहीं हो सकते सिर्फ उनतीस या तीस होते हैं अंग्रेज़ी कैलेंडर में जो है तीस भी होता है इकतीस भी होता है उनतीस भी होता है और अट्ठाईस भी होता है।, है चार साल में एक दफ़ा जो है उनतीस तारीख के हिसाब से अट्ठाईस तारीख़ के हिसाब से जो है कैलेंडर ये बनता है फरवरी का और बाया सालों में जो है फिर बाक़िया महीनों में तीस दिन और इकतीस दिन के हिसाब से होता है और एक साल में जो तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं तो कहते हैं तीन सौ पैंसठ दिन और छः घंटे और इतने लम्हे जो है उसके बाद जा कर के वो एक दिन होता है तो ए, ए, एक साल होता है एक साल के अंदर एग्जैक्टली तीन सौ पैंसठ दिन नहीं होते बल्कि उसके ऊपर तकरीबन छः घंटे के करीब इजाफा होता है इसीलिए हर चार साल में छः छः दुनिया बारह छः ती अट्ठारह छः चौबीस जो है सिक्स टाइम्स फोर तो चार साल में एक दिन का इजाफा हो जाता है तो इसलिए जो है फिर उस वक्त फरवरी की तारीख में एक दिन घटा दिया जाता है एक दिन कम कर दिया जाता है तो लिहाजा जो है नारिन इकराम हमें अपनी रूट की तरफ आने की भी ज़रूरत है और मैं यही नहीं कहता हूँ कि ये हिलत और हरमत वाला मामला है या कोई अकीद और ईमानियात वाला मामला है नहीं लेकिन एक कैलेंडर अल्लाह ने हमें दिया है जी और साफ बताऊँ आपको कि किलमा से ये तो न रखें कि वो इस मसले को हल करेंगे हमारी ज़िंदियाँ गुजर गई हैं हमारी ज़िंदँ गुजर गई लेकिन जो है इस मसले को हल नहीं कर पाए सीधी सी बात है कि भाई साइंस से जो है जो हमें मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन की हद तक के उसको इस्तेमाल करें अगर हम अपनी नमाजों के अवत्या साइंस के टाइम के टेबल के, के मुताबिक करते हैं तो फिर रोज़े में और चाँद में और अपने ईद में हम साइंस से सिर्फ इन्फॉमेशन क्यों नहीं हासिल कर सकते कि भाई वो इन्फॉमेशन हासिल करके उसके मुताबिक फ़ैसला करें चांद इस वक्त या कि दुनिया के किसी मु, किस मुल्क के ऊपर चांद मौजूद है या नहीं है जो है ये फैसला क्यों नहीं कर सकते आप ताजुब करेंगे कि अभी ल के चाद के मौके के ऊपर लिजा जो है यकुम जा का चाँद देखने के लिए जिसका तल्लु ईद से है सऊदी अरब के अंदर जिस मकाम के ऊपर चाँद देखा जाता है वहाँ पर इस दफ़ा जो है पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि तीन चार लोग इंग्लैंड के भी वहाँ पर पहुँचे इंग्लैंड के ये तीन चार लोग वहाँ पर पहुँचे और जो है इनको पता था कि भाई चाँद की लोकेशन जो है क्या है उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजी मैंने बताई आपको उस हिसाब से क्या लोकेशन है वहाँ पर जो है कुछ लोग और आए हुए थे अभी मौरक़ी नमाज नहीं हुई अभी सनसेट नहीं हुआ सूरज गुरूब नहीं हुआ चाँद जो देखा जाता है वो सूरज गुरूब के बाद देखा जाता है अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ सूरज गुरूब होने में अभी कुछ काफ़ी वक्त बाकी है उससे पहले जो है दो लोगों ने कह दिया वो देखें मोरा वो वोरा चाद वोरा चाँद अब ये चार लोग जो यहाँ से गए हुए थे दूरबीन और पावरफुल दूरबीन और टेक्नोलॉजी के साथ गए हुए थे ये उनको कहते रहे बताएं हमें कहाँ हैं वो जो है यानी अपनी बीनाई से सिर्फ आँखों से विदाउट दूरबीन वगैरह वो कह रहे हैं कि जो है वो चाद ये लोग दूरबीन से भी नहीं देख पा रहे और कैसे देख पाते कैसे देख पाते जबकि जो है मगरिब से पहले न्यू मून का नज़र आना नामुमकिन माहौल है वो ऐसा ही है जैसा कि एक ऊंट को सुई के सराख से जो है आप गुजारें एक ऊंट से को जो है सुई के सुराख से आप गुजारें एक घोड़ा दूध दे सकता है लेकिन जो है ऐन मग़रब के टाइम के ऊपर न्यू मून न्यू मून की बात कर रहा हूँ मैं जो पहली तारीख का चाँद होता है उसकी बात कर रहा हूँ बहुत से लोग कहते हैं कि देखें हम सन सेट के टाइम के ऊपर या सनराइज़ के टाइम के ऊपर ये पूरा चाद नज़र आ रहा है वो जब क्वार्टर ऑफ मून क्वार्टर तो नहीं खैर हाफ मून या ऑलमोस्ट फुल मून जब होता है क्वार्टर से ज़रा बड़ा होता है तो उन दिनों में नज़र आता है यस जो है उस वक्त जब फुल मून होता है या जो है ज़रा कुछ बड़े साइज़ का होता है उन दिनों में सनसेट के टाइम पे भी नज़र आता है लेकिन जो पहली तारीख का जो चांद है जो बारीक चाँद है वो चांद के नज़र आने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं एक जो है उसके लिए एक मकदार तक अंधेरा जरूरी है वो चाँद के नजर आने के लिए आँखों से स्पेशली जो है और इवन दूरबीन से भी एक मकदार तक अंधेरा और दूसरा ये कि उसकी पोजिशनिंग कि चाँद अगर जो है ज़मीन की जो सतह है मतलब जो आप ऊपर तो से देखेंगे ज़मीन आपको नजर आ रही है तो आपको मसला फील नज़र आ रही है फील की फील का लेवल ये है कि इसके ऊपर बादल है और इसके नीचे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा अगर चाँद इसके नीचे है तो ज़ाहिर है वो चाँद नज़र नहीं आएगा अब अगर कोई कहता है कि मैंने चांद देखा है तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता तो ये मालूम जो है हमारे पास होनी चाहिए और ये मुहर्रम का महीना है इस्लामी साल का पहला महीना है तो इसलिए जो है अगर इसी महीने से हम इस बात का अहतमाम करना शुरू कर दें कि भाई चाँद के मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे चांद के मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे जब तक जनरल पब्लिक के अंदर इस बात की अवेयरनेस नहीं होगी जब तक जो है आप जैसे लोग इस मसले को समझ करके के जो है आ, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक के जो है ये मसले का आ, आ, बेहतर हल निकलने वाला नहीं है तब तक के जो है आपको आ, एक लिहाज से कह लीजिए बेवकूफ़ी बनाया जाएगा उल्लू बनाया जाएगा माजरत के साथ जा, जा, और हो यही रहा है यही हो रहा है मेरी तकरीबन पूरी ज़िंदगी गुजर गई है इस मुल्क में जब मैं आया पंद्रह साल मेरी उम्र थी उस वक्त जब मैं आया इस मुल्क के अंदर सबसे पहली मीटिंग जो मैंने अटेंड की है सबसे पहला प्रोग्राम और सेमिनार जो मैंने अटेंड किया है पंद्रह साल की उम्र में इस मुल्क में आने के चंद दिन के बाद अपने वाल साहब के साथ जो है वो चांद की मीटिंग का जो है आ, आ, सेमिनार अटेंड किया मैंने 1985 में रीजन पार्क मस्जिद में जो हुआ तो उसमें किसी और को याद नहीं होगा लेकिन मुझे पूरा याद है और मुझे जो है और ज़्यादा इसलिए ही याद है कि उसमें जो है मेरे वाले साहब ने पूरा पेपर पढ़ा था पूरा पर्चा मेरे वाले साहब ने पढ़ा उसमें पूरी तकरीर वाले साहब ने की वो फिर वाले साहब के नोट्स मैंने लिए और फिर उसको समझना शुरू किया मैं जो है छोटा सा था उस वक्त से मैं उर्दू अखबारों के कॉलम्स पढ़ता था तकरीबन छः साल की उम्र कह लीजिए पाँच छः साल की उम्र से आठ नौ साल की उम्र में मैंने न्यूज़पेपर्स के अंदर कॉलम्स लिखना शुरू कर दिए थे उर्दू अखबारों के अंदर जी हिंदुस्तान के जो उर्दू अखबार थे उसमें जो है मेरे कॉलम्स कौल, छपते चप, थे बाकायदा और यह सिलसिला तकरीबन जो है बीस बाईस साल की उम्र तक के रहा उसके बाद जब तालीम में बहुत ज़्यादा मसरूफत हो गई और किताबें और उसबाक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते गए यानी पहले इब्तदाई ईयर्स में तो ये होता है कि भाई अरबी सीख रहे हैं और थोड़ा सा बेसिक हदीस की किताबें फ़िका की किताबें और थोड़ा सा कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे लेकिन जब डीप इंटू सब्जेक्ट जाते हैं तो आपके पास सर खुजाने का टाइम नहीं होता तो उस वक्त फिर मैंने उसको इस्टॉप किया जी तो मैं अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ कि जो है मैंने पंद्रह साल से लेकर के नाइनटीन एटी फाइव से लेकर के अब तक की जो है ज़िंदगी गुजार दी और ये मसला हल नहीं हो पाया और जबकि मैं इस मसले को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझता हूँ तो लिहाजा मुहर्रम बेहतर महीना है और ये एक मुनासिब और सही मौका है कि इस महीने से हम ये तहिया करें कि हम भाई चांद के मसले को भी समझेंगे जाहिर है मुहर्रम हम इसीलिए तो जो है बैठे हैं यहाँ पर कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है मुझे पता है इस वक्त मुझे आशूरा के हवाले से बात करनी चाहिए मुझे पता है इस वक्त मुझे करबला वगैरह के हिसाब से बात करनी चाहिए लेकिन कैलेंडर भी जो है इसको भी इग्नोर ना करें और बात में इसी पे है हूं यहां पर इतफ़ा करता हूँ यहाँ पर कि जो है इसी महीने से इब्तदा कर लें कि भाई हमने ये कैलेंडर को समझना है अगर आपकी इसके ऊपर डिमांड है तो मैं एक कला के ऊपर और इस पर जो है प्रोग्राम पेश करने के लिए तैयार हूँ आप में से कोई अगर चाहते हैं इसको समझना और सीखना चाहते हैं तो जो है हमें रबता करके बताएँ मुझे यहाँ फ़ोन करके बताएँ तो फिर हम एक वीकली स्लॉट बुक कर सकते हैं कि भाई हर हफ्ते या हर महीने इस टाइम के ऊपर ये प्रोग्राम हुआ करेगा मैं हर हफ़्ते जो है आधा एक घंटा बजाते ख़ुद या किसी और के ज़रिए इस टॉपिक के ऊपर लगाने के लिए तैयार हूँ ताकि जो है ये इलमी बात सबके सामने पहुँचे इन शजाक मिला तो नाजरीन अब वापस आते हैं जो है मुहरम के हवाले से जो है तो मुहरम की जो असमत और बरकत है वो ऐसी है कि देखें अल्लाह सुबह तार ने तकरीबन सभी अम्बिया आल्म के साथ बेहतरीन मामला फरमाया इस दिन और जो है हम लोग तो बस सिर्फ चंद अम्बिया के नाम जानते हैं भाई मूसा ईसा इब्राहिम यूनुस हारून वगैरह ये वो आलिम लेकिन जो है हकीक़त ये है कि आदम अल्लाम को जब दुनिया में उतारा गया चूँकि जन्नत में उन्होंने वो दरख्त का फल ले लिया था जिस दरख्त का को खाने से मना किया था जो है तो जब जन्नत तो का वो वाक़ हुआ और उनको जन् जन्नत से जो है दुनिया में उतारा गया और उनको ये अंदाज़ा हो गया कि परवरदिगार को मैंने नाराज़ किया तो अब मुझे जन्नत से जो है निकाल दिया गया और यहाँ भेज दिया गया तो अब उनको ये तलाश थी कि मैं परवरदिगार से माफ़ी कैसे मांगूँ किस तरीके से मैं परिगार से माफ़ी मांगूँ ये उनको जो है तलाश थी तो जो है परवरदिगार से माफ़ी मांगने के लिए वो अल्फाज ढूंढ रहे थे कुरान करीम फरमाते हैं कुरान करीम में आया है कि फ़तः लदम रबि कलीम फ़तः बड़ई फ़त ला आदमी कलीमाता फ़तः बड़ई कि आदम के सामने वो कलीमत जो है मंजर आम पर आ गए वो नज़र आ गए जो है कि जिन कलीमत से जो है वो परदिगार से माफ़ी मांग सकें फ़तह अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल की ये जो आदम की जो तोबा कबूल हुई है सबसे पहला वाक़ सबसे पहला जो वाक़ हुआ है दस मुहर्रम का अम्बिया के साथ खैर भलाई का वो आदम के साथ हुआ जिस वह पूरी दुनिया में वह तनहे तन्हा थे जय आदम अलैहिस्सलाम को भी उतारा गया हव्वा अलैहिस्सलाम को भी उतारा गया लेकिन दोनों को अलग अलग उतारा गया दोनों कहाँ थे दू, एक दूसरे की कोई ख़बर नहीं थी कोई जो है मतलब पता नहीं था कि दोनों कहाँ हैं तो पहले तो आदम अलैहिस्सलाम की तोबा कबूल हुई ना जो है तो वो जो तोबा कबूल हुई है और वो कोई ऐसा गुनाह नहीं था जैसा हम हम गुनाह करते हैं उसे गुनाह नहीं कहा जा सकता है और आ, उसे मतलब यानी यकीनन सिन या जो है आ, 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 मतलब यानी गुनाह वाले अल्फाज और आ, वो नहीं कहा जा सकता तो बल्कि जो है मतलब एक ख़ता कह लीजिए एक जजमेंटल एरर कह सकते हैं या जो भी है वैसे तो अम्बिया की शान से वो भी बीद है जी है तो बहरहाल जो भी हालात हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि इस मामले को क्या टाइटल दिया जाए लेकिन हम लोग जो है इस हमारी वो सलाहियत है ही नहीं कि हम इसको ग़लती या लफ्जिश या भूल चूक या इस किस्म के अल्फाज किसी भी नबी के शान में कह सकें अम्बिया असलम उससे बाल अतर हैं बहरहाल एक एपिसोड हुआ एक वाक़ा हुआ और उसके बाद आद, आदम आदम सलाम ने परवरदिगार से दुआ मांगी मैं यहीं सिर्फ इतना कह सकता हूँ बजाय इसके कि हम ये कहें कि भाई अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी हम ये कहेंगे भाई दुआ मांगी और वो दुआ इस दिन कबूल हुई है तो सबसे पहला आशुरा का जो मजहर हुआ है इसकी खैर व बरकत का वो आदम असलम के साथ हुआ कि आदम सलाम की दुआ इस दिन कबूल हुई उसके बाद जो दूसरा मजहर हुआ वो भी आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही हुआ जो है कुछ सालों के बाद कह लीजिए चाहे एक साल हो या चंद साल हो उसके बाद वो भी आशुरा के दिन और वो क्या मज़हर हुआ आदम अलैहिस्सलाम के साथ कि आदम की अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई दोनों जन्नत से दुनिया में उतार दिए गए थे लेकिन दोनों कहाँ कहाँ किन किन इलाक़ों में गए कहाँ पर उतारे गए कुछ पता नहीं था तो आशुराही का दिन था कि जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की होम से मुलाकात हुई ये। और इसके बाद फिर जो है तारीख़ में और सिलसिला चलता है हाबिल और काबिल का मामला आता है और जो है आदम की औलाद में और नबियों का मामला आता है यहाँ तक कि नू सलाम का टाइम आता है नौलाम वो कि जिनकी कौमों की उम्रें जो है हज़ार साल होती थी तकरीब खुद अला नौलातम के बारे में फ़रमाते हैं फ़लाब सफ़ी हम अल्फा सना अमसीना कि वो नू आलाम अपने लोगों के दरमियान में रहे एक हज़ार में पचास साल कम यानी साढ़े नौ सौ साल अल्फनातन एक हज़ार साल अल्ला सिवाय ५० न आमा पचास साल के तो एक हज़ार में पचास साल खत्म कम करें तो आप साढ़े नौ सौ साल तक के जो है वो अपनी कौम के दरमियान नबी बन कर के रहे और साढ़े नौ सौ साल में तकरीबन पचासी छियासी सतासी लोगों ने जो है ईमान कबूल किया साढ़े नौ सौ साल में नौ सौ साल कह लें साढ़े नौ सौ साल कह लें उसमें जो है तो पचासी के आसपास लोगों ने ईमान कबूल किया जो कि दस साल से ऊपर के अरसे में एक शख्स ईमान कबूल करना ये उसकी गिनती बैठती है नूसलातम को हुक्म होता है कि अब ये जो है सरकश हो चुकी है ये दुनिया की पूरी आबादी और आपके जो चंद मानने वाले हैं इनके अलावा बाकी जो है कोई आपके ऊपर ईमान नहीं लाएगा जी है कोई ईमान लाने वाला नहीं है तो नूसलातम ने दुआ भी फ़रमाई कला नूरबीन आसाऊनी व तबाउ मज़ुद हु मलु वदसा व मकर व मकर नकबा र तो नौ सलात असल्लाम के दुआ हुई और उस दुआ के बाद जो है तूफ़ान नू आया पूरी दुनिया पानी की लपेट में आ गई पूरी की पूरी दुनिया पानी की लपेट में आ गई वो तूफान नूह आने से पहले नू असलातम को हुक्म हुआ कि यहाँ मैदान के अंदर कश्ती बनाओ वो वहाँ पर मैदान में कश्ती बनाने शुरू की उन्होंने और वो कई साल का प्रोजेक्ट था कश्ती बनाने का कोई छोटी मोटी कश्ती नहीं थी वो काफ़ी बड़ी कश्ती थी कई साल का प्रोजेक्ट था लोग हंसते थे उनके ऊपर कि यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है तो ये यह कश्ती यहाँ बना करके क्या करोगे लोग एक दूसरे को कहते थे हमने कहा था ना कि ये शख्स पागल है मजनून है जो है ये जो है सर फिरा है तो जो है मतलब वला तजीमिन तबारा के ऊलिमीन जो हैं वो सिर्फ़ हलाकत और तबाही में और ज़्यादा गहराई में जाते रहते हैं तो लिहाजा नाम को हुक्म हुआ नऊ इसम ने कई साल लगा के वो कश्ती बनाई और उसके बाद उनको हुक्म हुआ कि आप भी इसमें सवार हों और जानवरों का एक एक जोड़ा भी जो है अपने साथ सवार कर लें वो सवार हुए और उसके बाद तूफान आया उस तूफ़ान में जो है नू आसलातम का बेटा जो कि उनके ऊपर ईमान नहीं रखता था वालिद का ना फरमान था और जो है वो नूअलातम के दुश्मनों के साथ था वो ख़ुद ये कहता था कि मेरे अब्बा जो है वो रास्ते से भटक गए हैं जो है हमें हमारे महमूदों के ख़िलाफ़ खड़ा करते हैं तो वो भी जो है उसको नूलातम ने कहा कि तुम भी आ जाओ कश्ती में बेटे होने की खातर उसने कहा कि नहीं मैं तो जो है पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ जाऊंगा फिक्र ना करो नहीं फिक्र ना जब नऊलातम ने देखा कि जो है तूफ़ान इतना ऊपर जाता गया कि पहाड़ी की चोटी भी जो है पानी के अंदर जाने लगी तो नू ने अल्लाह से दुआ की जो है आ, कि वो तो मेरा बेटा है अल्लाह सुबहत ने फ़रमाया इनहूल इन अहलिक वो तुम्हारे फैमिली का हिस्सा नहीं है वो तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं है उसको अपना बेटा ना शुमार करो लिहाजा आप ये देखें कि दुनियावी लिहाज से कोई अगर प्राइम मिनिस्टर हो या बड़ा मिनिस्टर हो ये वो और उसका बेटा कोई गड़बड़ी करता है तो इन ममालिक में तो नहीं लेकिन अपने जो है देसी ममालिक में आ, ये कह लीजिए कि उसको कोई कुछ नहीं कह सकता वो सिफ़ारिश उसकी चल जाती है और ये वो सारा लेकिन दीन के मामले में दीन के मामले में अगर आपका कोई बेटा है और वो बेटा रास्ते से भटका हुआ है तो आप कितने ही बड़े आलिम कितने ही बड़े आबद कितने ही बड़े मुतकी और परहेजगार क्यों ना हो तो उसको उसका अमल ही बचा सकता है उसका अमल ही जो है उसके काम आ सकता है आपकी रिश्तेदारी और कराबत उसके काम नहीं आ सकेगी तो नू आसलातम जो है आ, उनकी कश्ती तूफ़ान के अंदर चलती रही चलती रही कितना चली चले सुबह और फिर उसके बाद एक जूदी पहाड़ फस्तवत आलूदी वकील बौद्ल कौम वालमीन के जूदी पहाड़ के ऊपर आकर के वो कश्ती जो है टिकी और उसके बाद वहाँ से जो है मतलब तूफान नीचे होना शुरू हुआ लोग कश्ती से उतरे और उसके बाद पूरी दुनिया में बस ये अस्सी पचासी लोग ही बाकी थे पूरी दुनिया में और अल्लाह सुबह पूरी नस्ल का सफ़ाया कर दिया था पूरी नस्ल का सफ़ाया कर दिया था और उस वक्त जो है हाबिल काबिल वगैरह का तस्कर हमारे सामने है तो उस वक्त मतलब रोज़ाना जो है आदमिसम की औलाद में एक बेटे और एक बेटी की पैदाइश होती थी रोज़ाना और फिर उनके जो है आगे चल के रोज़ाना उनके यहाँ बच्चे होते थे इस तरीके से तेज़ी के साथ नस्ल बढ़ी थी दुनिया आबाद होना शुरू हो गई थी लेकिन जब वो अल्लाह की नाफरमानी पे सब इकट्ठे होकर के उतर आए और चंद लोग बाकी रहे तो अल्लाह ने ये चंद पचासी लोगों को जो है बचाया और बाकी सबको जो है अल्लाह सुने तबाह कर दिया तो ये जो पहाड़ी के ऊपर आकर के कश्ती रुकी है और जो वो तूफ़ान था उससे जो नजात मिली है वो भी जो है आशूरा के दिन नजात मिली है, है। और इसके साथ साथ जो है फिर यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था एक बड़ी मछली जिसे वेल कहते हैं हम लोग जो है वेल टाइप की मछली और उसने जो है मतलब यानी वेल मछली का जो है इंसान उस मछली का एक छोटा सा लुमा होता है छोटा सा लुमा ज़रा सा जैसे कोई हम जेली खा लेते हैं ना कि जिसको हमें चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कोई ऐसी चीज़ जो है कोई ले लेते हैं जिसको मैं चबा मतलब अगर हम पानी के साथ सौंफ ले लें सौंफ पानी के साथ ले लें ले, तो वो उसको ज... चबाना भी जरूरी नहीं वो सौंफ के कई दाने जो है हमारे पेट में चले जाते हैं तो इस तरह जो है मछली अगर चंद इंसानों को निकल ले तो यानी ये वेल मछली इतनी बड़ी मछली है यानी वो इतनी बड़ी मछली है कि बीस हज़ार इंसानों की खुराक के बराबर उसकी डेली खुराक होती है बीस हज़ार इंसानों की जो खुराक होती है वो इस मछली की डेली खुराक होती है उस मछली के पेट में यूनू अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे वो उस मछली के पेट में पहुंच गए ये मछली इतनी बड़ी है और उसमें पेट में भी काफ़ी जगह होती है तो फिर भी किसी न किसी तरीके से वो ज़िंदा रहे और वहाँ पर जो है उन्होंने एक दुआ पढ़नी शुरू की और वो दुआ क्या है वो दुआ है सुबह न का ला लना तना इन का अन हकीम तो ये जो दुआ हम पढ़ते हैं ना किसी परेशानी और मुसीबत के वक्त वो दुआ यूनुस है सुबह नमलाना आलम तना यह जो दुआ है ये यूनुलासल्लाम ने बार बार पढ़ी मुस्तकिल ये पढ़नी शुरू की और वो देख रहा है कि उनका बदन गलना शुरू हो गया अंदर चूँकि पेट में है जो है और बदन जो है मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है खाल उधरने लगी और ये वो सारा बाल निकलने लगे ये देख रहे है वो पता है कि जो है अल्लाह ही की जात है जो बचा सकती है और ये भी पता है कि मछली के पेट से किसी का वापस निकलना नामुमकिन है लेकिन अल्लाह पर इतना ईमान और यकीन था कि नहीं जो है अल्लाह तआला इनको ज़रूर बचाएगा अल्लाह पर यह ईमान और यकीन था तो उसी की बुनियाद के ऊपर माशा उनकी दुआ कबूल हुई और मछली ने जो है फिर साहिल के पास आ करके जो है ये कह लीजिए कि थूकने के अंदाज़ में या वॉमिट करने के अंदाज़ में वो किया जिससे जो है ये बाहर आ गए बाहर आए तो इनका पूरा जिसम बिल्कुल गल चुका था तकरीबन बिल्कुल नरम हो चुके थे जो है बोटिया गोश्त भी नरम हो चुके लेकिन बहरहाल जिस दिन अल्लाह सुल्हाँ यूनुस सलाम के यूनूल सलाम को मछली के पेट से निजात दी वो भी का दिन ही था फिर मूँ साल सलात साम का कि फिर ओन का लश्कर पीछे से आ रहा है सामने जो है आगे दरिया है पीछे फिर ओन का लश्कर है आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है ये मौत के नक्शे के अंदर जो है अल्लाह उत ने मू को हुक्म दिया कि अपना आसा ये दरिया के ऊपर मारो तो जब दरिया पर मारा तो जो है इतना आशर नकीीबा कि उसमें जो है फिर बारह रास्ते बन गए उस दरिया के अंदर वो बारह रास्ते बन गए बारह कबीले थे हर कबीले के साथ मतलब सैकड़ों हज़ारों लोग थे सब अपने अपने रास्ते के ऊपर चलने लगे पानी जो है सब के लिए रुका रहा जो है। पानी बस बिल्कुल इस तरह ठहर गया जैसे दीवार बना दी हो जो है। पानी आगे को आने की कोशिश करता है फिर वहाँ पर पीछे हो जाता है इस तरीके का मामला रहा जब फिरौन ने और उसकी फौज ने ये देखा तो उन्होंने कहा जब पानी रुकी गया है तो हम भी इनके पीछे पीछे क्रॉस करते हैं तो इनका फ़ासला था दरमियान में जो है कुछ फ़ासला था आधा मील का कह लीजिए क्वार्टर माइल का कह लीजिए जो भी चंद सौ गज़ का फासला था जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और उनके साथियों ने जो है आखिरी साथ ही वो पानी से निकला अभी उस वक्त ये मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन जो हैं फिरौन और उनके साथी उस दरिया के दरमियान में थे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दरिया को हुक्म दिया कि जो है चलना शुरू हो गया वो दरिया जो है शरायत करना शुरू हो गया चलना शुरू हो गया और उसी में जो है फिर ओन बहने लगा इसके फौजी बहने लगे और उस वक्त फिर ओन ने कहा कि आमन तो बब्बी मूसा व हारून के मैं मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाता हूँ वो शख्स जो पहले ख़ुद खुदाई का दावा करता था अनबकुमल मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सबसे बुलंद खुदा हूँ परवरदिगार हूँ जो ये दावा करता था जब जो है ये दरिया के अंदर गर्क होने लगा तो वो कहता है कि मैं जो है मूसा के मूसा और हारून के परवरदिगार के ऊपर ईमान लाता हूँ तो मूसा सालात असलम को फिर ओन से नजात मिलना बहुत बड़ी बात थी बहुत बड़ी बात थी बहुत बड़ा वाक़ था ये भी आशुरा के दिन आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कुल्ला या नारू कूनी बरदम सलामामन अला इब्राहीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं क्लना हमने कहा या नारु ए आग कूनी तू हो जा क्या बर्दन बरदम व सलामन ठंडी और सलामती वाली अला इब्राहिम इब्राहिम के ऊपर जो है और वो आग जलाने के लिए कई दिन पहले से ये मशरकिन ने बुतों के पुजारियों ने आजर जो है इब्राहीम के वालिद जो है वो बुतों का कारोबार करते थे उनका नाम आज़र था जो है आज़र था तो बुतों के पुजारी और बुतों के ताजिर थे जो है इब्राहीम था था। ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे वालिद होते हुए नहीं समझे तो जो है इसीलिए आज़र का लफ्ज़ आज आप देखेंगे कोई भी अपनी औलाद का नाम आज़र नहीं रखेगा कोई भी अपनी औलाद का नाम अबू लहब अबू जहल नहीं रखेगा कोई भी अपनी औलाद का नाम फिर नहीं रखेगा जो है तो लिहाजा जो है वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का इंतज़ाम किया गया पूरी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई पूरा घी और तेल इकट्ठा किया गया कि जो है ये बस वो आग उनको लगे और एक लिहाज से भसम कर दे उनको ये अंदाज़ा था कि भाई जो है इनके पास मुआवजाती पावर भी है और लिहाजा ये जो है छोटी मोटी आग लगाई तो उससे बच जाएंगे। वो आग ऐसी लगाने की कोशिश की ऐसी उसकी तैयारी की कि जिसकी आग की शुआएं और लिपटें जो है शुआएँ नहीं बल्कि आग की लिपटें जो है आम आग बजाते खुद तकरीबन बादलों तक के पहुँच रही थी लेकिन ऐसी आग को भी जहाँ पर हर तरफ मौत के नक्शे थे अल्लाह इज़्ज़त ने उस आग को भी ठंडा कर दिया सलामती वाली कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक उसमें रहे और उसके बाद जो है वो आग बुझी जिस जिस दिन वो ख़ुद ही आग बुझी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उसमें आराम से निकले सब लोग तो जा चुके थे ये सोच करके कि अब तो जो है मतलब ख़त्म हो गया मामला जो भी है अब तो जो है मतलब चमड़ी क्या हड्डी और कोई एक बोटी भी नहीं नज़र आएगी कोई एक बाल भी नहीं नजर आएगा जो है तब उस सूरत में जो है इब्राहिम इब्राहीम आग बुझने के बाद वो आग से निकले वो दिन भी आशुरा का दिन था और है और ईसीतम की जो पैदाइश हुई है ईसा की जो पैदाइश हुई है जो कि अंग्रेज़ लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर था जो है व्हालम जो है आ, लेकिन 25 दिसंबर बहुत जय फ़ौल है इनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा इख्ताफ है बाद उसने जो है मार्च या मई की तारीखें बता रखी हैं तो बहरहाल जो है लेकिन ये बात तय है कि ईसा आल्लाम की जो पैदाइश हुई है वह दस मुहर्रम का दिन था दस मुहर्रम तो ये मुहर्रम की जो है चंद मोटी मोटी बातें हैं अगर अम्बिया आलम सलाम का सिलसिला देखें हम तक जो अम्बिया आलम के जो नाम पहुँचे हैं वो नाम ही जो है चंद ही नाम तो पहुँचे हम तक के सवा लाख अम्बिया आलमतम में से हम तक के एक लाख क्या एक हज़ार क्या पाँच सौ क्या तीन सौ दो सौ के भी नाम नहीं है मुश्किल से पचास के आसपास के नाम हम तक पहुँचे हैं अम्बिया के जो है का, काफ़ी के जो है हमें क़ुरान से मिले कुछ के हमें हदीस से मिले कुछ के हमें बाइबल से मिले कुछ के हमें तवरा से मिले कुछ के हमें ज़बूर और इंजील से मिले जो है बाइबल और इंजील एक ही चीज़ तकरीबा तो बहरहाल जो है हमें होली स्क्रिप्चर से दूसरे मज़ाहब की किताबों से जो नाम मिले हैं उन नामों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नाम नहीं होते तो जो चंद नाम हमारे सामने हैं उनके साथ अगर उनमें से जो है कई के साथ अल्लाह सुबह ने इतने बड़े बड़े इनाम और एहसाना किए आश्रा के दिन तो फिर इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे साथ आ, क्या इनाम और एहसान होगा जय अल्लाह उ हमारे साथ क्यों ना इनाम एहसान करेंगे और जिन अम्बिया सलाम का हमें नहीं पता जिनके के हम तक नहीं पहुँचे सवा लाख एक लाख चौबीस हज़ार सलाम तो जिनका हम तक नहीं पहुँचा उनकी क्या उनके साथ क्या क्या इनाम हुए होंगे जिन अलियाल्ला का और जिन अम्बिया के सहाबा का हवारीों का हम तक नहीं पहुँचा मामला उनके साथ अल्लाह ने क्या क्या इनामत किए होंगे और पक्के मुतकीन और ममिनीन हर नबी के दौर में उनके फॉलोअर्स और उनके मुतबीन उनके साथ अल्लाह ने क्या क्या इनाम और एहसान किया होगा आशुरा के दिन वो हम तक नहीं पहुँचा तो आज की घड़ी है आज का वो मुबारक मौका है नजर इक्राम कि इस घड़ी से हम फ़ायदा उठा लें इस मुबारक मौक़े से फ़ायदा उठा लें हमारे पास जो परेशानियाँ और तकलीफ़ें और मुसीबतें आजमाइशें बलएँ और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हैं हमारे अपने हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर आज हम दुआ करें अल्लाह अल्ला ताला के हजूर कि अल्लाह हमें उन इन तमाम चीज़ों से पना अता फरमा इन तमाम जो है मुसीबतों से हमें नजात दिला जिस परवरदिगार ने अम्बिया को नजात दी वो आपको और हमें भी नजात दे सकता है यक़ी आपको और हमें भी नजात दे सकता है इसमें जो है एक दूसरे के लिए माफ़ी मांगे हर उम्मत के हर शख्स के लिए तोबा करें हर शख़्स के लिए माफ़ी मांगें हर शख़्स के लिए खैर बरकत मांगें चाहे कोई आपका दोस्त हो या दुश्मन हो उसके लिए भी आप माफ़ी मांगें कोई आपका वफ़ादार हो या बेवफा हो किसी ने आपके साथ वफा की या नहीं की उसके लिए भी हिदायत और ख़ैर ख़ाही मांगें देखें इससे जब वफा का तो, जब जुमला इस्तेमाल किया तो एक बात सामने कर देता हूँ जो है जो कुत्ता होता है ना कुत्ता आ, अगर वफ़ादारी का जो है जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि वफादारी देखनी है तो कुत्ते की वफादारी देखो जो है कुत्ते की वफ़ादारी देखो तो एक कुत्ता भी जो है वफादार होता है एक पहलू तो यह है लेकिन दूसरा पहलू यह है कि एक वो मखलूक जो इंसान की सबसे ज़्यादा वफादार है उसके बारे में यह आया कि वो नजिस है वो नापाक है अगर कुत्ते की गीली दुम या उसका जो है बदन या उसके बदन से छींटे आपके कपड़ों पर लग जाएं या उसकी ज़बान का थूक आपके कपड़ों पर या आपके बदन पर लग जाए जब तक आप उसको धोएंगे नहीं साफ़ नहीं करेंगे तब तक आपकी नमाज कबूल नहीं होगी तो एक वफादार जानवर वफादार जानवर के जिसके वफा के चर्चे हैं और उसकी वफा के ऊपर इस वक्त कितनी फिल्में बन चुकी होंगी जय आलम तो बहरहाल जो है उस जानवर को नजस और नापाक जो है तो उसको छूना भी आ, मुनासिब नहीं ये क्यों ये कैसा मामला ये इसलिए है कि जो है जो कुत्ता है वो इंसानों के साथ तो वफादारी करता है लेकिन अपनी नस्ल के साथ वफादारी नहीं करता जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है तो उनके ऊपर भौंकना शुरू हो जाता है अगर एक इलाके का कुत्ता दूसरे कुत्ते के इलाके में आ जाए और आ करके वहाँ पर जो है सोने की कोशिश करे बहुत गुजारने की कोशिश करे तो उसको भोंक भोंक करके उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करेगा कुत्तों की जो आपस में लड़ाई होती है जिन बस्तियों में जिन देहातों में जिन गाँव में कुत्ते रात में होते हैं तो सोने नहीं देते इंसान का वफ़ादार है लेकिन जब आपस में अपनी नस्ल के साथ मिलता है तो जो है वो सब कुछ भूल जाता है तो इंसानों में भी बाज़ इस कस्म के कुत्ते होते हैं कि जो दूसरों के साथ तो वफादारी कर लेंगे जिसने उनका कोई साथ नहीं दिया होगा उसके साथ वफादारी कर लेंगे लेकिन आपने जो उसका ज़िंदगी भर का साथ दिया होगा आपने उसके लिए क्या क्या इनाम और एहसान नहीं किए होंगे क्या क्या उसके जो है खैर खाही आपने नहीं की होगी सब को भूल करके जो है वो आप ही के ऊपर भोंकना शुरू हो जाएंगे तो इंसानों में भी कुछ कुत्ते कुत्ते की नस्ल के होते हैं जो बाहर वफादार नजर आते हैं लेकिन उनकी वफा वैसी है जैसे कुत्तों की होती है कि दूसरों के साथ वो वफादारी करेंगे लेकिन जब अपनी नस्ल यानी इंसानियत की बात आएगी और उनके जो हमदर्द और ख़ैर खवा होंगे उनके साथ कोई वफ़ादारी नहीं करेंगे तो अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला होता है कि जिसके साथ आपने बहुत ही अच्छा मामला और बर्ताव किया हो और वो आपके साथ खैर खा ही ना करे तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कुत्तों से सब सीखे कुत्तों से सब सीखे और दुआ करें उनके हक में कि यह अल्लाह उनको ये कुत्तों की फितरत से निकाल करके इंसानों की फितरत पर डाल दे, उनके हक़ में भी दुआ करें ऐसे लोगों के लिए जब आप दुआ करेंगे ना जो आपको जो है परेशान करते हैं जो आपके मुखालिफ हैं जो आपके जो है खैर खाही को आ, नहीं समझते और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और जो है आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं जब ऐसे कुत्तों के हक़ हाँ में आप जो है इंसानी नुमा कुत्तों के हक़ हाँ में आप दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह तआला आपको बेशुमार खैर बरकत अता करेगा इसलिए कि जब किसी और के हक़ हाँ में आप कोई दुआ करते हैं कोई अच्छी दुआ करते हैं तो वो आपको अल्लाह तआला सबसे पहले देते हैं जो भलाई आप दूसरों के लिए मांगते हैं तो वो अल्लाह माल्ला आपको सबसे पहले देते हैं अपने अच्छे पड़ोसी अपने अच्छे दोस्त अपने अच्छे साथी अपने अच्छे रिश्तेदारों के लिए तो हर एक ही दुआ मांग सकता है अच्छी दुआ लेकिन जो अपने मुखालफी हैं जो अपने जो है आपको परेशान करते हैं जो आपकी दुश्मनी पर उतर आए हैं जो आपका मरा हुआ चेहरा देखना चाहते हैं ऐसे लोगों के हक़ में अच्छी दुआ करना एक जिगर और गुर्दे की बात होती है वो इस कस्म के जो है नस्ली कुत्तों के जो है आ, आ, बस की बात नहीं है उसके लिए सही और पक्का इंसान होना एक मर्द और मर्द का बच्चा होना ज़रूरी होता है तो आप उनके हक़ में भी दुआ करें जो आपके साथ जो है आ, उन कुत्तों जैसा मामला करते हैं कि जब वो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है तो आप उसमें भोंगना शुरू हो जाते हैं तो बहरहाल अल्लाह सुबह तआला जो है आ, हमारी दुआओं को कबूल करें ये दुआओं की घड़ी है जुमा का दिन है जुमा की नमाज़ का वक्त भी करीब आ रहा है और तो अल्लाह उत हमारी दुआओं को कबूल करें इनशा मैं मुख्तसर ब्रेक की तरफ़ जाना चाहूँगा इन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हम फिर थोड़ी देर के लिए और ट्रांसमिशन जारी रखेंगे और उसके बाद जुम्मे का वक्त होगा और फिर ज, 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 जी चलें तो मुझे कहा जा रहा है कि आठ दस मिनट में न्यूज़ का वक्फ़ा होने वाला ही है तो उस वक्त फिर हम जुमा की तैयारी में लग जाएंगे इन तो एक बजे तक ये प्रोग्राम को जारी रखते हैं इन शाजन इक़राम जो है ये बात तो मैंने आपके सामने दो तीन हवालों से आपके सामने रख दी एक जो है पहलू आपके सामने रख दिया मैंने कि ये बारह महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक पहले से है दूसरा फिर जो कैलेंडर है हमारा और जो हमारा निज़ाम तारीख है निज़ाम कैलेंडर है कैलेंडर की जो तरतीब है वो चांद के हिसाब से है और हमें जो है चाँद के मसले को और ये चांद का जो सिस्टम है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी महीने से उसके समझने की हम इब्तदा करें दूसरा पहलू ये ये भी कवर हुआ आपके सामने तीसरा पहलू मुहरम की बरकत जो है मुहरम की आज़मत मुहरम की शान उसको कुछ टच किया है अगर चाहे वो आपको लगता है कि बहुत लंबा खींच लिया अम्बिया आलम सातम के वाक़ बताए लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा गहराई है अभी सिर्फ सतही तौर पर उसको टच किया है जो है चौथा ये कि जो है इस दिन रोज़ा रखना जो है रोज़ा रख कर के जो है आ, आ, उसके हवाले से आ, ये कि जो है रसूल अक्रम सम ने जब मदीना मनोर आए तो वहाँ देखा कि यहूदी लोग दस महरम को रोज़ा रखते हैं अब मुहर्रम तो इस्लामी कैलेंडर का हिस्सा है मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का हिस्सा है तो जो है जब देखा कि यहूदी लोग तो पता चला कि भाई ये दस मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन से नजात दी थी तो अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु अहक्कु या अवला बूसा कि मूसा अलैहिस्सलाम की अहतराम मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत जो है हमारे ऊपर हमारा ज़्यादा हक़ हाँ बनता है इसके ऊपर हम ज़्यादा हकदार हैं कि उनकी अजमत जो है बयान करें चूँकि हम तो वही सूफ़ी इब्राहिम और मूसा के इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम की तलीमत पर अमल करने वाले हैं तो लिहाजा जो है पहले अलैहि अच्छा वसल्लम भी जो है दस मुहर्रम का रोज़ा रखते थे और देखा बाद में कि यहूदी लोग रोज़ा रखते हैं दस का तो उसके बाद कहा कि हम जो है दो दिन रोज़ा रखेंगे जो है दस के साथ एक दिन और नौ या दस या दस और ग्यारह जो है तो उसमें आज का रोज़ा बैठेगा आ, जो है आ, आज की तारीख का और गुज्त कल जिन्होंने रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह और जिन्होंने गुज्त कल नहीं रखा तो वो आज और कल रोज़ा रखें जो है ये पहलू जरा सा बाकी रह गया था तो ये आपके सामने आ गया अब देखें जो है थोड़ा सा मैं जो है वापस आता हूँ दूसरी बात की तरफ कि जो है जिस दिन जो मुबारक दिन होता है जिस दिन अल्लाह ने दिगर लोगों को नजात अता की तो उस दिन हमें भी नजात अता हो सकती है उसके लिए आपके सामने दुआ का अहतमाम करना उसके ऊपर आपको तरलीब दी गई दुआ करें आप अपने लिए भी दुआ करें दुश्मनों के लिए भी दोस्तों के लिए भी पूरी कायन के लिए सिर्फ उम्मत मुस्लिमा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें अल्लाह रहा अल्ला। हम अल्ला सबको को रुश्द हिदायत दे सब के साथ खैर और भलाई का मामला फरमाए हमारे दिल के अंदर तो इतनी नरमी होनी चाहिए इतनी नरमी होनी चाहिए कि हमारा तो जी ये चाहे कि खुदा न खास्तः कोई शख्स अगर कुफर के ऊपर दुनिया से गुजर रहा है तो वो भी किसी तरीके से अल्लाह उसको माफ़ कर दे और जन्नत में चला जाए हमें पता है कि ये दुआ जो है अल्लाह कबूल नहीं करेगा हमें यह पता है कि ये कुरान की तालीमत जो है वो साफ हैं कि भाई जो शख्स कुफर की हालत में जाता है तो वह जहन्नम में जाता है लेकिन हमारी रहमदिल्ली का मजहब और हमारे हमारी रहमदिल्ली का प्याला इतना भरा होना चाहिए कि वो भरा होने के बावजूद भी जो है उससे बह रहा हो और टपक रहा हो कि जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे भी जो है वो बाहर निकल रहा हो और जो दूसरे लोग जो उस रहम का मजदाक नहीं है उन तक के भी वो पहुँच रहा हो तो ये हमारी रहम दिली होनी चाहिए अब वापस आता हूँ जो है रोज़े की तरफ नाजन इक्रम रोज़े के साथ साथ जो है रोज़ा और सदका रोज़ा और डोनेशन ये दो चीज़ें अगर साथ में लग जाएँ ये दो चीज़ें अगर साथ में लग जाएँ तो कितनी ही बड़ी बात होती है क्या ही ज़बरदस्त बात होती है सुबह अल्लाह ये दो चीज़ें अगर साथ में लग जाएँ तो कितना ही बड़ा मामला होता है कि यानी वो इबादत के अंदर चाँद चार चार चाँद लग जाते हैं आपके नजात और आपकी दुआ की कबूलियत में जो है बेशुमार इजाफा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है तो इस वक्त दुनिया के अंदर परेशानी है परेशान हाली है दुनिया के अंदर जो है प्यास है भूख है गुर्बत है हर जो है चंद मिनट के अंदर हर चंद मिनटों में किसी न किसी की जान जा रही है बल्कि सेकंडों के हिसाब से कहा जा सकता है बीस सेकंड का लफ्ज़ आता था पहले कि चंद सेकंडों में या हर मिनट में किसी न किसी शख्स की जान जा रही है पानी या इलाज या खाना ना होने की वजह से और जिसमें सबसे ज़्यादा जानें जो जा रही हैं वो पानी ना होने की वजह से सिर्फ बच्चों में अगर देखा जाए तो चंद मिनट हर चंद मिनटों के बाद एक बच्चे की जान जा रही है सिर्फ पानी ना होने की वजह से प्यास ना होने की वजह से तो क्या हम आज जो खैर के दुनिया में माशाल्लाह पानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर सकते मेरी आपसे गुजारिश है और आपसे दरख्वास्त है कि हमारा जो वाटर फॉर अफ्रीका का प्रोजेक्ट है अफ्रीका में जो हम ड्रिलिंग मशीन का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा डालें वाटर फॉर अफ्रीका में आप हिस्सा डालें एक हज़ार पाउंड में अगर आप एक हिस्सा डालते हैं वन थाउजेंड पाउंड में तो जो बड़ा डीप बोर होल है बड़ा डीप बोर होल जो बीस तीस हज़ार लोगों को चालीस हज़ार लोगों को पानी सप्लाई करेगा बल्कि उसकी कैपेसिटी पचास हज़ार से लाख लोगों को पानी सप्लाई करने की होती है लेकिन वहाँ अफ्रीका में चुके आबादी इतनी मुख्तर होती है तो हम आबादी के लिहाज से आपके सामने बात रखते हैं बीस तीस हज़ार वरना वो प्रोजेक्ट इतने बड़े होते हैं कि अगर दस साल के बाद वहाँ पर जो है आबादी डबल भी हो जाए बीस हज़ार से चालीस हज़ार हो जाए और पंद्रह साल में जो है वो एक लाख तक भी पहुँचाए तब भी ये हमारा एक प्रोजेक्ट वो पूरी आबादी पूरी बस्ती को जो है पानी देने के लिए काफ़ी है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपका एक हज़ार पाउंड जो है Uh, कुछ नहीं तो तकरीबन जो है चार पाँच सौ लोगों को पानी फराम करेगा जो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर दो पाउंड ढाई पाउंड तीन पाउंड uh, पर पर्सन कॉस्ट आती है वो एक वक्त का पानी नहीं ये एक बोतल पानी की बात नहीं हो रही है ये जो है साल हर साल के लिए उसको पानी की सहूलत मिलेगी सिर्फ चंद पाउंड आपके किसी को अगर ज़िंदगी भर पानी की सहूलत दे सकता है और जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं अलहमदिल्ला उसके नतज बहुत ज़बरदस्त हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इन प्रोजेक्ट्स की तरफ़ तवज्जो करें और आज के इस मौके के ऊपर मुबारक घड़ी के ऊपर बढ़ चढ़ करके साथ दें चलते हैं जो है वक्फ़े की तरफ़ जुमा की घड़ी में उम्मीद करता हूँ आप बढ़ चढ़ करके डोनेट करेंगे और दुआ भी करेंगे और अपने लिए और उम्मत मुस्लिम के लिए नजात मांगेंगे इनशाला और जुमह के बाद फिर हम आपकी खिदमत में वापस हाज़िर होते हैं फी मान ला वालकम वरम् वर्का